बताइए, अब आप देखेंगे यहाँ अगर नीच राशि की बात करें, हम इसी में एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, नीच राशि का कॉलम बढ़ा देते हैं। तो आप लोग सभी बताएंगे, जहां भी कोई भी ग्रह उच्च का होता है वहां से वो 7 घर आगे चले जाएंगे तो वहां पे वो नीच का हो जाएगा। तो अगर सूर्य मेष के उच्च के हैं तो बताइए नीच, वहां से मेष से 7 घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मतलब तुला राशि आई, तो तुला राशि में वो नीच के हो गए। और सेम डिग्री पर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सूर्य मेष राशि में 0 से 10 डिग्री में परम उच्च के हैं तो सूर्य तुला राशि में 0 से 10 डिग्री में परम नीच के होंगे। एक नीच होता है और एक परम नीच होता है। तो जो परम नीच होता है, तो आप देखिए यहां पर जो क्या नाम है वृषभ राशि है, जैसे यहां मैं बता रहा था सूर्य मेष राशि के उच्च के हैं तो तुला राशि के नीच के होंगे, ये तो खैर कॉमन बात हो गई। सूर्य मेष राशि में सूर्य, ये फिर वही प्रॉब्लम होगी, फिर से आपको जुड़ना पड़ेगा, ये 10 मिनट में एंड कर देगा वीडियो, ये आपको फिर से जुड़ना पड़ेगा। तो सूर्य मेष राशि में और यहाँ वृषभ में, आप यहाँ से 2 नंबर गिनी 8 नंबर तक पहुंचिए, 2 से 8 नंबर तक पहुंचिए तो क्या हो जाएगा, वृश्चिक राशि हो जाएगी। धनु कैसे हो जाएगा भाई, 2 नंबर से 8 नंबर पे आप पहुंचिए तो यहाँ पर आप कि चंद्रमा वृषभ राशि के उच्च के हैं तो वहां से आप गिनना स्टार्ट करिए, 7 नंबर है तो 2 3 4 5 6 7 8 8 पे आएंगे वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, तो देखिए चंद्रमा वृषभ राशि में 0 से 3 डिग्री के उच्च के होते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में 0 से 3 डिग्री तक परम नीच के होंगे। एक नीच होता है और एक परम नीच होता है। परम नीच का मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा ही उसमें खराबी आ गई है, तो उसको परम नीच बोलते हैं ना, एक उच्च और एक परम उच्च, तो आपको डिग्रियों के साथ उसकी बात करनी पड़ेगी। तो जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हैं, लेकिन अगर उनकी जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा की किसी कुंडली में वृश्चिक राशि में है बट वो 5 डिग्री के हैं, तो केवल नीच के हैं। लेकिन अगर वही वृश्चिक राशि में मान लीजिए 2 डिग्री के हैं तो वो परम नीच है। अब 2 डिग्री और 5 डिग्री में क्या डिफरेंस आया कि चंद्रमा का जो कारकत्व होगा, सिग्निफिकेंस होगा, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है, या कुंडली में जो भी फंक्शनल क्या नाम है बातों को जो फंक्शनल सिग्निफिकेशन होंगे, दो बातें भी आगे बहुत सारी बातें आज बतानी है मुझे आपको, तो फंक्शनल सिग्निफिकेंस जो होंगे उनको जो वो गवर्न करेगा और जो उसका अपना क्या नाम है नेचुरल सिग्निफिकेंस होगा उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। कब, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में 2 डिग्री के यानी 0 से 3 डिग्री के होंगे तो ज्यादा खराबी की स्थिति होगी, और वही अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में मान लीजिए 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री या 10 डिग्री के आएंगे तो इतनी खराबी वहां पे नहीं, मतलब होंगे तो नीच के ही लेकिन परम नीच से थोड़े अच्छे माने जाएंगे। हमारी बात आपको समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं लेकिन अगर वही उनका डिग्री जो है 5 या 6 डिग्री हो जाए, मतलब कि 0 से 10 डिग्री के बीच में हो जाए, तो सूर्य उस वक्त परम उच्च के होंगे, वो बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे सूर्य अगर तुला राशि में 0 से 10 डिग्री में तो वो परम नीच हो जाएंगे, तो ये परम उच्च और परम नीच की यही अंश है। परम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि उस चीजों में बढ़ोतरी ज्यादा हो जाना। ऐसे यहाँ देखिए मकर है, मंगल मकर में उच्च के होंगे तो 10 नंबर से 7 तक जाइए, क्या नंबर आएगा बताइए, 10 में से 7 पे आप काउंट करिए क्या नंबर आ जाएगा, 11 12 1 2 3 क्या जाए 11 10वें को काउंट करना है, 10 11 12 1 2 3 4 यानी 4 नंबर आ जाएंगे, यानी कर्क राशि। तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाएंगे, और यहाँ देखिए इन्होंने तो पूरी भाव ही मतलब कि पूरी राशि कवर कर ली, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री तक होती है तो 28 डिग्री तक तो ये परम उच्च के थे और कर्क राशि में ये परम नीच के हो जाएंगे। इसीलिए मंगल का उच्च और नीच की कंडीशन ज्यादा थोड़ी सी परम नीच और परम उच्च में ही मिलती है, मतलब वहां बीच की कंडीशन नहीं है। जैसे सूर्य में और चंद्रमा में बीच की कंडीशन आ रही है, क्या आ रही है कि अगर मान लीजिए सूर्य जो है तुला राशि के हैं लेकिन 15 डिग्री के हैं तो 10 डिग्री को तो पार कर चुके हैं ना, तो पार कर चुके तो उसमें परम नीच नहीं है, नीच है।
ऐसे चंद्रमा में भी 3 डिग्री पार कर गए तो परम नीच नहीं है, लेकिन मंगल में तो पूरी राशि की राशि कवर है यहाँ पर। चलिए खैर जो भी है यहाँ बताया जा रहा है। बुध कन्या, तो कन्या से आप जरा 7 गिनिए क्या आ जाएगा, यानी कन्या मतलब 6 राशि हो गई, 6 को लेकर के उसके आगे 7 जाइए क्या हो जाएगा बताइए, मीन आ जाएगा। एकदम सही बात है। तो ये मीन राशि के नीच के हो जाते हैं, कौन? बुध। बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, और वही मीन राशि में अगर 0 से 15 डिग्री के हो जाएंगे तो वो परम नीच हो जाएंगे। ऐसे बृहस्पति कर्क, यानी कर्क मतलब 4 में उच्च के हैं, तो 4 से 7वें जाइए, तो 4 से 7वें जाइए तो क्या आ जाएगा, मकर आ जाएगा, तो मकर में नीच के हो जाएंगे, यानी 10 नंबर हो गया। मीन मतलब 12 नंबर, कर्क मतलब 4, वृश्चिक मतलब 8, तुला मतलब 7। ये राशि लिख रहे हैं हम राशि, तो इसमें ये नीचता इनके अंदर आ जाएगी। ऐसे शुक्र मीन राशि के उच्च के हैं तो नीच किसमें होंगे बताइए, कन्या में, क्योंकि एकदम उसी 12 नंबर से आप आगे गिर लीजिए 7, तो कन्या में क्या हो जाएंगे, नीच के, और 0 से 27 डिग्री है तो परम नीच के होंगे। ऐसे शनि तुला राशि में क्या होते हैं, उच्च के, तो नीच के कहां होंगे, मेष राशि में, मेष राशि। ये इनकी क्या हो गई, उच्च और परम उच्च और नीच और परम नीच की स्थिति बन गई यहां पर, परम उच्च परम नीच की स्थिति बन गई यहां पर, हो गया, नोट कर लिया। देखिए जो राहु और केतु हैं, क्या है, जो राहु और केतु, जरा उनकी बात, खैर इसके बारे में आगे और बताएंगे। देखिए प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात करें, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का मतलब जहां पे हम प्रेडिक्शन देते हैं, फलादेश, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं फलित ज्योतिष, तो कुंडली में फलित करने की बहुत सारी विधियां हैं, कुंडलियों में फलित करने की बहुत सारी विधियां हैं, मेथड है। क्या मेथड है, सबसे पहले आता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भाई जो वैदिक आप जानते हैं, जो पढ़ भी रहे हैं। इसके बाद आता है जैमिनी, हिंदी में लिख देते हैं वैदिक ज्योतिष, दूसरा होता है जैमिनी ज्योतिष, ये सब क्या है, ये फलादेश करने की विधियां हैं। बहुत सारे लोग तो इसी बात को कंफ्यूज होते हैं कि कहां पे कौन सी विधि लगा देते हैं, तो उन्होंने सब खिचड़ी बना दी, खिचड़ी मतलब जैमिनी भी लगा रहे हैं, वैदिक भी लगा रहे हैं, और भी पहले समझ लीजिए। फिर क्या है केपी, कृष्ण मूर्ति पद्धति, केपी सिस्टम, साउथ के हैं केपी कृष्ण मूर्ति, 1903 में इनको भारत रत्न मिला था, वहां के राज्यपाल ने इनको दिलाया था, जगह का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन 1903 में इनको भारत रत्न मिला था, और इन्होंने एक ऐसी पद्धति जनरेट करी थी एस्ट्रोलॉजी में जो कि बहुत सटीक है, जो कि नक्षत्रों पर आधारित है। तो ये केपी हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति, केपी हो गई, वैदिक जैमिनी केपी, भृगुनंदी नाड़ी, ये केपी को नाड़ी भी कहते हैं, नाड़ी, नाड़ी ज्योतिष भी यही है। ये हमारे पास अलग अलग ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, कृष्ण मूर्ति पद्धति, इसी को नाड़ी ज्योतिष भी कहते हैं, ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी, और एक है सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच, वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच, वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच, वैदिक सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है।
बाद में गौरव जी बात करेंगे सॉफ्टवेयर पर, अभी बाद में छोड़िए, अभी पढ़ लीजिए, बाद में हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर की बात, है ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा है इसलिए अभी रखते हैं उसको। इतने टाइप के हमारे पास ज्योतिष होती है, फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष का मतलब होता है कि जब भी हम कुंडली को देखना प्रारंभ करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, तो या तो उसमें वैदिक ज्योतिष लगाइए, या जैमिनी ज्योतिष लगाइए, या कृष्ण मूर्ति पद्धति लगाइए, या भृगुनंदी नाड़ी लगाइए, या वैदिक सिस्टमेटिक अप्रोच लगाइए। अब ये आप नहीं कहिए कि कोई भी एक ज्योतिष इसमें खराब है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आजकल लोग को ये डिफरेंस ही नहीं पता है कि इनमें डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। तो वो उन्होंने क्या किया कि कहीं से भी कोई किताब उठाई और किताब से पढ़ लिया। अब उनको ये पता ही नहीं चला कि किताब में जो बात लिखी गई है वो जैमिनी के लिए लिखी गई कि वैदिक के लिए लिखी गई, कृष्ण मूर्ति के लिए लिखी गई कि भृगुनंदी के लिए लिखी गई, ये पता ही नहीं चला। बस उन्होंने पढ़ लिया कि सूर्य और राहु की जब युति होती है तो ऐसी घटनाएं घटती हैं कि इसको ग्रहण दोष कहते हैं। आदमी का जो है उसके पिता की स्थिति खराब रहती है, उसका मान सम्मान खराब रहता है, उसका सामाजिक स्तर खराब रहता है। ये पढ़ लिया, अब ये किस ज्योतिष के अनुसार लिखा है ये उन्होंने पढ़ा ही नहीं, बस कहीं से एक स्टेशन से किताब उठाए और उठा के उन्होंने ये बात पढ़ ली। तो इससे हुआ क्या कि पहले तो ये जानकारी नहीं थी कौन सी ज्योतिष है, फिर उन्होंने कहीं से ये बात उठाई और पढ़ लिया कि अगर कोई भी जो ग्रह है, कोई भी ग्रह अगर वो अष्टमेश है, अष्टमेश है तो उसका बुरा फल हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, पढ़ लिया। अब ये पता ही नहीं, ये पता ही नहीं कि ये किस ज्योतिष के अनुसार बात हो रही है, किस ज्योतिष के अनुसार बात हो रही है। फिर किसी ने ये बात पढ़ ली कि कोई भी जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसका जो सीएसएल होगा, कस्पल सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड जो होगा उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा, यानी कस्पल सब लॉर्ड यानी उप, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा उसके अनुसार फल ये होगा। अब ये पता नहीं कि ये किस ज्योतिष के अनुसार ये बात हो रही है। तो अभी आज के समय में मैक्सिमम जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितनी भी ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपने दिमाग में खिचड़ी बना ली। अब खिचड़ी में फायदा क्या हुआ कि ना दाल का स्वाद समझ में आ रहा है, ना चावल का स्वाद समझ में आ रहा है, और ना सब्जी का स्वाद समझ में आ रहा है, और खिचड़ी खा लो। तो वो खुद भी बहुत कंफ्यूज है और जो उनसे क्वेश्चन पूछने जा रहा है वो भी बहुत कंफ्यूज है। एक और नहीं लिखा मैंने, एक और लिख देना चाहिए, एक दो तो और भी बता दो। एक लाल किताब भी है, लाल किताब भी है, लाल किताब भी है। ये सब क्या है, ये ज्योतिष के भाग हैं, ज्योतिष की वो विधाएं हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी के बारे में फलादेश कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि किसी के बारे में फलादेश करने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप इसमें से कौन सी विद्या को यूज कर रहे हैं, कौन सी विद्या को यूज कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि नहीं ये विद्या खराब है, ये विद्या अच्छी है, या ये खराब है, ये अच्छी है, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हम हुए। क्योंकि हमें जिस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो हम कौन होते हैं किसी दूसरी विद्या को अच्छा और बुरा कहने वाले। हमको जो विद्या आती वो अच्छी है, बाकी सब बेकार है, ये तो बहुत निम्न स्तरीय बात हो गई। इतने नीचे स्तर पे तो हम लोग यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। भृगु संहिता वैदिक ज्योतिष का पार्ट है, भृगु संहिता कोई अलग नहीं है, ठीक है, भृगु संहिता कोई अलग नहीं है, वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ये बहुत सारी बुक्स में, मतलब बुक्स मतलब सारी विधाएं अलग अलग हैं। तो अब हम लोग सबसे अच्छा, देखिए सबसे अच्छा और सबसे बुरा तो फिर ये कहना गड़बड़ है। सारी विधाएं अच्छी है, आप किसी एक ज्योतिष को पकड़ लीजिए और उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ लीजिए। आप उसी ज्योतिष से अगर आप किसी कुंडली का फलादेश करेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। सबसे टेक्निकल मतलब आपको इसमें हमसे देखिए, ये सारी जो विद्याएं हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग है, ये अलग, कुछ कुछ अलग है, लेकिन सबका बेसिक तो यही है,
सबका बेसिक तो यही है। अब जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमारे में बुद्ध गुरु की युति है तो क्या फर्क परिणाम होगा, तो आप भृगुनंदी नाड़ी उठाइए, वहां पे आपको भृगुनंदी नाड़ी ये सब बात बताएगी कि युति है तो क्या परिणाम मिलेगा और क्या युति है क्या परिणाम नहीं मिलेगा। जो हमारे अभी तक की एक्सपीरियंस में देखने में ये बात समझ में आई कि भृगुनंदी नाड़ी की एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, मतलब देखिए मैं अपनी छोटे मुंह से ही बात कह रहा हूँ, मतलब मैं इस पूरी विद्या को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जब इसमें डिस्कशन हुआ तो पता चला कि अब बुध अगर 28 डिग्री का है और गुरु मान लीजिए 1 डिग्री के हैं और वहां पे बुध और गुरु की युति दिख जाए, मतलब क्योंकि डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर आगे के बारे में आप कुछ नहीं बता पाएंगे। तो हो सकता है कि बुध और गुरु के बारे में जो भी भृगुनंदी नाड़ी कह रही हो वो चीजें वैलिड ना हो पाए, यानी वो चीजें उसके जीवन में ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए डिफरेंस कितने का आ गया, 28 डिग्री और 1 डिग्री का डिफरेंस आ गया, 28 डिग्री और 1 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो इतना लंबा जब डिफरेंस, क्योंकि एक भाव में तो 30 डिग्री होगा ना, यानी ये बुद्ध अब इस भाव से जाने वाला है और गुरु अभी इस भाव में प्रवेश किया हुआ है, तो आप समझिए जो जाने वाला है और जो प्रवेश किया है तो आपने तो डिग्री देखी ही नहीं और आपने उसका फलादेश कर दिया, तो हुआ क्या कि हो सकता है उसके ऊपर ये लगे ही नहीं बात। तो ये भृगुनंदी नाड़ी में बहुत अच्छे लोगों को ये समझ में आए, लेकिन ये बहुत अच्छी ज्योतिष है भृगुनंदी नाड़ी, फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन आगे की जब कैलकुलेशन हम लोग करने उतरते हैं तो इनको भी सहारा लेना पड़ता है वैदिक का। जैमिनी ज्योतिष में क्या है कि सारी बात आत्मकारक, अमात्यकारक, भ्रातकारक, कलत्रकारक, उन्होंने कारक मान लिए सबके, एक होता है परमानेंट कारक और एक होता है कुंडली के अनुसार कारक। आप समझ रहे हैं, हमारी सब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी बात सबको समझ में आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको ज्योतिष के प्रकार बता रहा हूं, फलित ज्योतिष के, ज्योतिष के नहीं, कुंडली में जो फलित ज्योतिष उसके प्रकार बता रहा हूं, और कहां हम लोग गलती करते हैं उसको भी हमें समझना है, क्योंकि जब तक हमको अपनी गलती नहीं पता चलेगी तब तक हम ज्योतिष को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कि जैमिनी ज्योतिष में क्या बता दिया गया, क्या बता दिया गया कि कौन से कारक हैं। अब ये कैसे पता लगाएंगे, कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट होगा वो आत्मकारक हो जाएगा। आत्मकारक मतलब नाम से क्लियर है, हम खुद, और नेचुरल आत्मकारक कौन है, सूर्य है। अमात्यकारक दूसरे नंबर की डिग्री जिसकी हो, दूसरे नंबर की डिग्री जिसकी हो अमात्यकारक हो गया। दूसरा मतलब दूसरा भाव धन भाव है तो धन भाव हो गया वहां अमात्यकारक। यानी जैमिनी ज्योतिष पूरी डिग्री के ऊपर बेस्ड है। फिर इसमें जो दशाएं होती, चर दशाएं होती, कई सारी इसमें दशाएं आती हैं, राशियों की दशाएं आती हैं, तो वहां पर ये लगाना चाहिए। अब कर क्या रहे हैं, लगा रहे हैं जैमिनी ज्योतिष और फलादेश कर रहे हैं वैदिक से या केपी से, प्रॉब्लम आ रही है। केपी में क्या है कि कस्बल सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर बेस्ड है सारी बात, भृगुनंदी नाड़ी मैंने आपको बताई। तो आपको कोई एक ज्योतिष पकड़ कर ही भविष्यवाणी अगर आप करते हैं या किसी की कुंडली को देखते हैं तो आप में ज्यादा उसके बारे में समझने में आपको आसान होगा, आप खुद भी कंफ्यूज नहीं होंगे और अगले को भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, और साथ में अच्छी बात आपको ये पता चलेगी कि आपने जो कहा उसका एक बेसिस आपको क्लियर होगा, क्योंकि आप तो पहले खुद ही कंफ्यूज है कि अब ये भी लगा ले, ये भी लगा ले, ये भी लगा ले, तो सब लगाने से बढ़िया एक लगा लीजिए। एक राह वाली मधुशाला नहीं है, मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी, उसमें क्या बोला, एक राह पकड़ चला चल तू पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला मतलब हमारी मधुशाला कौन है, ज्योतिष में विद्वान बनना, मतलब विद्वान तो कोई नहीं हो सकता, मतलब ज्योतिष को समझना बस इतना ही हो सकता है, समझे जा सकता है, विद्वान तो कोई भी नहीं, जो कहे हम विद्वान हो तो पहले बड़ा मूर्ख है। तो आप एक राह पकड़िए पहले, और उस राह पकड़ के आपको अपनी मधुशाला जरूर मिल जाएगी। तो आपको अपनी मधुशाला वैदिक ज्योतिष से लेनी है कि जैमिनी ज्योतिष से लेनी है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति से लेनी है, केपी सिस्टम से, कि भृगुनंदी नाड़ी से लेनी है, कि वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच से लेनी है, कि लाल किताब से लेनी है, पहले तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा।
क्योंकि आप लोग कर क्या रहे, पूरी खिचड़ी बना डाल रहे हैं सब एक साथ साथ। हाँ, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक नाव में बैठिए, आराम से आपकी नैया पार हो जाएगी। सारी नाव को बनाने लगे तो सब बिखर जाएगा। तो ये है प्रॉब्लम, समझ आ गई आपको। तो यहाँ पर यही दिक्कत आती है। अब हमने इसको बताया कि वो भी मैं आपको बताता हूं। तो हम आपको जो अभी यहां पर बताएंगे, ये सबसे एडवांस ये वाली वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच, इसका क्रेडिट तो वैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। कौन सा? वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच। बट इसके अंदर आप 4 से 5 मिनट के अंदर कुंडली को समझ करके फलादेश कर लेंगे और टाइम ऑफ इवेंट बद निकाल लेंगे कि इस समय ये घटना घटेगी। तो ये सबसे, अब देखिए, अब ये बोले ये सबसे अच्छी है और ये खराब है तो ये गलत बात है। सब अच्छी है बट हमको एक पकड़ना है। तो हम अभी आपको जो बताएंगे, जो अभी आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं ज्योतिष में, क्योंकि बेसिक तो सबका एक ही जैसा है, ग्रह सबके एक ही हैं, भाव के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। अब यहां से फर्केशन स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, विभाजित हो जाती है, अलग अलग रास्ता है। पहले शुरू में तो एक ही चीज है, जैसे आपने भाई 10th तक तो पढ़ लिया, सब कुछ एक ही सबने पढ़ा। उसके बाद अब आगे 10th के बाद आगे सेलेक्ट करिए कि आप किस क्या लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट लेंगे, आर्ट में क्या लेंगे, साइंस में आपका क्या स्पेशलाइजेशन रहेगा। अब वो हम लोगों को समझना है, क्योंकि बेसिक चीजें तो यही है, और भी बेसिक चीज है, भी और भी बात, बहुत सारी बात बतानी है बेसिक के बारे में। लेकिन जो हम आगे आपको लेके चलेंगे, ये वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच में लेके चलेंगे। क्यों? इसका जिक्र पराशर जी ने भी किया हुआ है। ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी और ये वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच है, इसका जिक्र पराशर जी ने भी किया है, लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया। वही बनाना खिचड़ी पकी पड़ी है, सब खिचड़ी पकी पड़ी है। भाई एक बुक हम ले आए और पता चला वो कौन सी बुक है, किसके बारे में वो कह रही पता ही नहीं चल रहा है। मतलब वो पता चला इसकी बुक है और हम समझे पड़े इसकी बुक है। तो ये तो पहले अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। तो वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच सबसे अभी तक की, इसमें पूरे इंडिया में करीब 2800 से 3000 एस्ट्रोलॉजर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत एक्यूरेसी पाई गई है इसमें। इसमें एक्यूरेसी मतलब सटीकता ज्यादा पाई गई है। क्या इन सब में सटीकता नहीं है? बिल्कुल है, इसमें भी बहुत सटीकता है। लेकिन केपी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको केपी सिस्टम को फॉलो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीटीआर करना पड़ेगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। जैसे आपने अपनी घड़ी देखी, मान लीजिए कि घड़ी 10:15 हो रहा था, 10:15 बजे किसी का बर्थ हुआ और पता चला वो 10:15 नहीं था, वो 10:17 था, तो 2 मिनट में यहाँ पूरी कहानी बदल जाएगी केपी सिस्टम में। इसीलिए केपी सिस्टम हमेशा उस व्यक्ति को लगाना चाहिए जो कि एग्जैक्ट टाइम हो। अब एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चलेगा, जो वो टाइम देख रहा हो सही है कि नहीं। आप देखिए मोबाइल सैटेलाइट से आपको निकाल के देता है टाइम, लेकिन अलग अलग मोबाइल में भी अलग अलग टाइम आते हैं। जैसे आप लोग अपने मोबाइल का टाइम बताइए, आप अपने मोबाइल में टाइम देख के बताइए कितना है, बताइए आपके मोबाइल में कितना टाइम हो रहा है। 9:26 सही, चलिए 9:26 चल रहा है सबका, 9:27 देखिए आ गया किसी का, हमारे में 9:25 हो रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए आपके सामने ये सब, देख लीजिए सब अलग अलग लिख रहे हैं, कुछ लोग एक जैसा लिख रहे हैं, यानी कुल मिला के और हमारे में 9:25 हो रहा है। तो यानी आप देखो 9:25 आपने बोला, 9:26 आपने बोला, 9:27 आपने बोला, यहाँ पूरी कहानी पलटी पड़ी। ये कुछ और कुंडली होगी, कुछ और कुंडली होगी, कुछ और कुंडली होगी। इसीलिए बीटीआर का कॉन्सेप्ट आया, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये वैदिक में भी अप्लाई होगा, ये वैदिक में भी अप्लाई होगा। तो हम लोग कहते हैं केपी सिस्टम आप तभी अप्लाई करो जब टाइम एग्जैक्ट पता हो या बीटीआर कराओ। बीटीआर का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि हमने अपना किया था, तो मैंने 2 से 2.5 घंटा कैलकुलेशन करी और पता चला 15 सेकेंड का टाइम का डिफरेंस आया। हमने कहा इसे बढ़िया ना ही करते तो ज्यादा अच्छा था, टाइम बर्बाद हो गया। तो ये और अल्टीमेटली फिर उसको मिलाने का तरीका क्या है कि आपको फिर कुंडली देख करके अपने बारे में सिम्टम्स बताने हैं। तो 15 सेकंड में जमीन का आसमान थोड़ी ना हो गया, लेकिन केपी में तो चीजें बदल जाएंगी, केपी में तो चीजें बदल जाएंगी। मतलब 2-3 मिनट में तो नहीं, फिर भी 4-5 मिनट में तो आप मान के चलो बदल ही जाएंगे। ये प्रॉब्लम आ जाएगी। भ्रमनंदी नाड़ी मैंने बताया क्या प्रॉब्लम दे देता है, कि वहां पे कंजंक्शन युति के बारे में तो बता दिया,
लेकिन वो अगर इस प्रकार की कंडीशन हो तब एक समस्या आती है। तो हम लोग जो फॉलो करेंगे वो वैदिक, और वैदिक में भी सिस्टमैटिक अप्रोच, ये सबसे एडवांस है वैदिक का पार्ट, ये सबसे अच्छी विधि है, इसी विधि को हम आपको फॉलो करवाएंगे और आप देखेंगे किस प्रकार से आप सही जानकारी किसी के बारे में ले पाते हैं। समझ में, इसके बारे में पराशर जी ने बताया हुआ है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद गोपेश कुमार ओझा जी ने अपनी बुक में ज्योतिष रत्नाकर, जो आज से 100 साल पहले लिखी गई थी, ज्योतिष रत्नाकर में भी इसका जिक्र किया है, ज्योतिष रत्नाकर का जिक्र किया है। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो प्रोफेसर वीके चौधरी, इसके बारे में काफी इन्होंने रिसर्च करी है सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में। ये कोई नया पार्ट नहीं है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है जो कि थोड़ा और एक्यूरेट हो गया और सही कर दिया गया उसको। समझ में आई बात? तो हम लोग किस पार्ट को कवर करेंगे? वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच को कवर करेंगे। वैदिक इसमें से हम आपको इन दोनों में घुमाएंगे, किसमें? वैदिक में और वैदिक सिस्टमैटिक अप्रोच में, क्योंकि सबसे बॉस तो यही है। और उसका भी अगर माइक्रो लेवल लेके चले तो दूसरा पार्ट हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच आ जाता है। बाकी ये सब नंदी नाड़ी, कृष्णमूर्ति पद्धति, जैमिनी ज्योतिष, ये क्या करती है कि ये आप केपी सिस्टम आप जो है 10 दिन में समझ सकते हैं, मात्र 10 दिन के अंदर। कभी हमने कोई कोर्स चालू किया कृष्णमूर्ति पद्धति का तो आप लोगों को बताएंगे कि 10 दिन से ज्यादा का विषय नहीं है कृष्णमूर्ति पद्धति। अगर बहुत सटीक में उतरना तो 1 महीना, भृगु नंदी नाड़ी तो मुश्किल से 20 से 25 दिन, बहुत अधिक हो गए चले 1 महीना मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपको योगी याद रखने, ये फर्क पड़ता है, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर ये हमें यहाँ पे समस्या आने लगती है जब इस प्रकार की युतियां आती है और डिग्री में डिफरेंस होता है, तब भृगु नंदी नाड़ी कुछ नहीं कर पाती, तो समस्या आती है। तो इन सबका इलाज हमारे पास सिस्टमैटिक अप्रोच में है। ये पराशर जी ने अपनी किताब में लिखा, ज्योतिष रत्नाकर जो भूपेश कुमार ओझा जी ने लिखी है आज से 100 साल पहले, अब तो नहीं रहे लेकिन उनकी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उसमें भी इसका जिक्र आता है लेकिन बहुत क्लियर नहीं किया गया। और फिर इस वक्त तो क्लियर जो कर रहे हैं प्रोफेसर वीके चौधरी, वो इसको एकदम क्लियर कर रहे हैं। तो आप देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं जरा, तो ये फलित ज्योतिष के प्रकार हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज्योतिष में खिचड़ी ना पकाएं, आप किसी एक ज्योतिष को पकड़ के चले, आपको आंसर पक्का मिल जाएगा। जब खिचड़ी पकाने लगेंगे तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे और अगले को बताएंगे वो भी कंफ्यूज रहेगा, तो आंसर किसी का कुछ नहीं आने वाला। फिर करते रहिए आप जिक्र पे जिक्र, कुछ होने वाला नहीं फिर, ठीक है। देखिए अब इसको यहां बताया क्यों मैंने, मार्कर में इंक खत्म हो गई है। लाल किताब तो बताया ना, लाल किताब हमारे इंडिया में बाहर से आई है, ये मुस्लिम कंट्री की देन है, इसको कोई पंडित जी ने भी लिखा हुआ है, इसको बहुत मोटी वाली भी हमारे पास है, हमने इसको पूरी पढ़ी। तो आप लाल किताब में भी जा सकते हैं, लाल किताब के जो एक्सपर्ट है वो जा सकते हैं। भृगु नंदी नाड़ी में और लाल किताब में सबकी मेष लग्न है, काल पुरुष की कुंडली मानी गई, वहां लग्न कह रहे हम नहीं बदलेंगे, सबकी काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली लिख लीजिएगा, क्या है? मेष लग्न है। हाँ जी है, तो अच्छी बात है, उसको पढ़िए, पढ़िए आपने, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र तिवारी जी, मेरे पास ज्योतिष रत्नाकर देवकी नंदन जी की, हाँ गोपेश कुमार ओझा की भी है, देवकी नंदन जी की है, पढ़ा है उसको, अरे पढ़ा है भैया, किताब होने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करिए कि नहीं करिए बताइए मुझे। सुरेंद्र जी अभी लाया, अच्छा अभी लाए तो पढ़ना स्टार्ट करिए, उसको देखिए कुछ समझ में आएगा, कोई बात नहीं। देखिए अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है,
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक हमारी क्लासिकल और एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। क्लासिकल मतलब वही पुरानी वाली क्लासिकल, और एक है सिस्टमैटिक अप्रोच, इसके दो पार्ट होते हैं। लेटेस्ट ये वाली है सिस्टमैटिक अप्रोच। क्लासिकल कहता है कि हम राहु और केतु, देखिए राहु और केतु कोई कुछ है ही नहीं, एक केवल ये क्या है, ये बिंदु है। ये जैसे कोई भी चंद्रमा है, चंद्रमा को आप देखो कि अगर हम इसको साउथ पोल ले ले और इसको नॉर्थ पोल ले, तो साउथ पोल को राहु कह दिया गया है और नॉर्थ पोल को केतु कह दिया गया है। ये एक बिंदु है, बाकी कोई ग्रह नहीं है। ये कौन? राहु और केतु। इसीलिए हमारे पुराणों में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसकी एक कहानी सुनाई गई। कितना सही है, वैसे तो सही है, समुद्र मंथन तो है, क्योंकि अगर आप बिहार में हैं तो रांची, रांची बोल रहे हैं जो देवघर है वहां पर वासुकी जी का मंदिर भी बना हुआ है। लोग बताने वाले बताते थे कि पहले समुद्र यहाँ तक था और यहीं पर मंथन हुआ था, बाकी मुझे नहीं पता, गॉड नोस, भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है। बट उसमें जो कहानी आती है, उस कहानी का मतलब ये था कि वो एक राक्षस था और उसने आके अमृत पी लिया, अमृत निकला तो किसने, विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका गला काट दिया। तो जो ये गला काट दिया मतलब जो ये मुख हो गया ये राहु हो गया, और जो शरीर हो गया वो केतु हो गया। तो राहु ये हो गया और केतु ये हो गया, मतलब कहने का मतलब ये एक ही इंसान के दो पार्ट है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप समझो कि ये दोनों का मतलब एक ही बिंदु है। हम इसको दो अलग अलग प्लैनेट ना माने, इसको दोनों को एक ही माने। अब चूंकि सर किसके पास गया, ये किताबें कहाँ मिलती हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप जहां रहते हैं गजेंद्र जी, वहां पे कोई एक बुक स्टॉल होगी जहां एस्ट्रोलॉजी की या धर्म की किताबें मिलती, वहां पर पता करिए, वहां पर पता करिए, वहां मिल जाएंगी आपको, है ना। दिल्ली में अगर आप नई सड़क पर जाएं तो वहां मिल जाएगी, बहुत बहुत जगह प्लेस है, आप कहीं भी जाइए मिल जाएगी। कानपुर में जो लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ, जनता बुक स्टॉल चले जाए, परेड पर है जनता बुक स्टॉल, मैंने वहीं से बहुत सारी किताबें ली हैं जब 2002-2001, बहुत पुरानी बात है। मतलब तो जनता बुक स्टॉल है जो कानपुर या कानपुर के अगल बगल के लोग जो होंगे तो उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप जहाँ रहते हैं, गजेंद्र जी आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं जी? आप राजस्थान में, चाहे चूरू में राज, तो चूरू में आप जयपुर में जाइए, चूरू, चूरू है ना, चूरू, फिर वही सीकर, उसके बाद आप जयपुर जाइए, आपसे पास में भी पड़ेगा तो वहां, लेकिन आपको जाके पता करना पड़ेगा, ठीक है गजेंद्र जी? हाँ जी, राजस्थान में, अब देखिए राजस्थान में, राजस्थान बड़ा एरिया है, बट जयपुर में हमें लगता है कि आपको मिल जाएगा। जयपुर तो भाई ज्योतिषियों का गढ़ भी, बहुत बड़े प्रख्यात ज्योतिष हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। चलिए खैर, तो राहु और केतु कोई अलग अलग चीज नहीं है, वो एक ही है। तो जो उसमें कहानी सुनाई गई तो उसका तात्पर्य ज्योतिष में बस इतना ही है कि आप दोनों चीजें क्या ले लें, आप दोनों चीजें राहु और केतु को अलग ना माने। मैं बता रहा था सर किसके पास गया, राहु के पास गया। तो सर क्या, हमारी बुद्धि है, सर क्या, हमारी बुद्धि है। तो बुद्धि किसके पास चली गई, राहु के पास। अब जब सर होगा तो बहुत सोचेगा आदमी, यानी ये सब काम आप राहु को दे दीजिए। केतु क्या है, केतु क्या है, हमारा शरीर है। तो जब सर कटने के बाद शरीर आपने देखता तड़पता है, तो हर तड़पन के पीछे केतु का हाथ है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है केतु जिस भाव में होता है आपकी कुंडली में, वहां आपको कोई तड़पन जरूर मिलेगी। मतलब तड़पना मतलब समझ रहे ना, वहां कोई चीज ऐसी होगी जिसके लिए आप चाहेंगे यार ये चीज हो जाए मुझसे, मतलब तड़पना जिसको बोलते हैं, एक प्रकार की तड़पन भी देता है केतु। केतु कष्ट भी है, केतु कट भी है। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर आपको दिखाई देंगी, समझ में आ गया। तो राहु केतु को आप अलग ना मानिए, एक ही बात मानिए, कोई उसमें वो नहीं है, समस्या नहीं है। तो राहु और केतु दो अलग अलग बातें नहीं है, एक ही एक बात है। अब क्लासिकल जो एस्ट्रोलॉजी उसमें कहता है जो राहु और केतु इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, इनके अब जैसे कि हर ग्रह की अपनी राशि है, जैसे सूर्य की सिंह राशि है, चंद्रमा की कौन सी है कर्क राशि है, सूर्य चंद्रमा को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी की, सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं,
सभी दो दो राशियां हैं, ये मैं डिफरेंस आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा ना, आपको यही समझ में आएगा यार सही क्या और गलत क्या है। तो देखिए सूर्य राशि आपको बता चुके हैं, राशियां तो बताई चुके हैं आप सबको, तो सूर्य की कौन सी राशि हो गई, सिंह राशि हो गई पांच नंबर, चंद्रमा की कौन सी राशि हो गई, कर्क चार नंबर, बाकी देखिए बाकी आ जाइए मंगल की, तो मंगल की दो राशि होगी मेष और वृश्चिक, और क्या हो जाएगी उसके बाद आ जाइए मंगल के बाद कौन आ जाते हैं, बुध आ जाते हैं, बुध की कौन राशि हो गई तीन और छह मिथुन और कन्या, उसके बाद गुरु आ जाइए गुरु की भी दो राशि है नौ और बारह, उसके बाद आप शुक्र आ जाइए शुक्र की भी दो राशि है कौन सी है दो और सात वृषभ और तुला, शनि आ जाइए तो शनि की भी दो राशि है दस और ग्यारह, सात ग्रह हो गए एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात ग्रह हो गए यहाँ पर। तो ये हिंदी में तो क्या उर्दू में लिख रहे भाई साहब, कौन है भाई साहब आप, राधे जी हिंदी में लिखा है भाई हाँ जी देखिए, तो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है कि राहु और केतु के अपनी कोई राशि नहीं है, इनकी कोई राशियां नहीं है, इनकी कोई राशि नहीं है, तो ये उच्च और नीच के भी कहीं नहीं होंगे, उच्च या नीच के नहीं होते, कहीं नहीं होते, ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है। लेकिन अगर सिस्टमैटिक अप्रोच में आप चले तो सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या आ जाएगा कि ये कहती है नहीं राहु और केतु की राशि तो नहीं है, यानी कि जैसे किसी कुंडली में राहु मिथुन राशि में है तो वो मिथुन राशि मतलब मिथुन राशि का लॉर्ड कौन हुआ, बुध हुआ, तो बुध के अनुसार राहु और का फल होगा, ये किसी की कुंडली में मान लीजिए जो है वहां पे कन्या राशि में या दूसरा तुला राशि में राहु है तो शुक्र के अनुसार राहु का फल देंगे, और उसके सामने जो होंगे कौन होंगे, केतु होंगे, क्योंकि राहु और केतु एकदम अपोजिट होंगे, 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो ये क्लासिकल थ्योरी कहती है, लेकिन जो सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच कहती है कि नहीं राहु की उच्च और नीच राशि है, ये सिस्टमैटिक अप्रोच कहती है, राहु और केतु उच्च और नीच देख लेते हैं, इसका भी लिख लीजिए आप, तो राहु की जो उच्च राशि है वो कौन सी है, वृषभ राशि है, और वृषभ राशि से जरा सात गिनिए आप आठ आएगा दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो वृश्चिक राशि इसकी नीच राशि हो गई, और केतु की जो है वृश्चिक राशि नीच की उच्च की होगी और वृषभ राशि नीच की होगी, उल्टे है ना, जस्ट एक ऊपर मतलब सर ऊपर की तरफ चल रहा तो पैर नीचे की तरफ चल रहा तो उल्टे हो गए ना एकदम, जैसे कुंडली में भी देखेंगे आप तो जहां राहु बैठा उसी के सामने केतु बैठेगा, जैसे मान लीजिए राहु यहां पे तो सात गिन लीजिए केतु यहां आ जाएगा अपोजिट, तो राहु की जो उच्च की राशि होगी वो केतु की नीच की राशि मानी गई, और जो राहु की नीच की राशि है वो केतु की उच्च की राशि मानी गई, केतु की जो है नीच की राशि कौन सी है, नीच की राशि केतु की वृषभ है और उच्च की राशि इसकी वृश्चिक है, तो इस प्रकार से यहां पर क्या चीज बताई गई, यहां से संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। तो हमारे ख्याल में बात आपको समझ में आ गई, ये कौन कह रहा है, ये सिस्टमैटिक अप्रोच कहती है, लेकिन ये चीज यहां पर ये नहीं कहती है इसका परम और उच्च और नीच नहीं होगा, इसमें परम और उच्च और नीच नहीं होगा मैं जी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इनकी कोई राशि नहीं है और ये उच्च नीच नहीं होते, बट सिस्टमैटिक अप्रोच वाले कहते हैं ये, अब इसमें टकराव चालू हो जाता है, एक्चुअली टकराव करने की कोई वजह नहीं है बट आपस में लोग टकरा रहे हैं, अब दिक्कत क्या है कि सिस्टमैटिक अप्रोच और वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी क्लासिकल वाली दोनों तो एक ही से निकल के आई ना वैदिक से, तो जो इसकी स्टडी करते हैं वो राहु केतु की उच्च नीच मानते हैं और जो इसकी स्टडी करते कहते वो नहीं होता, अरे भाई ये चीज भी इसी से आ रही है और ये चीज भी इसी से आ रही है,
अब आगे जब नई चीजें और आती रही भाई, अभी आप कसम खा के बैठ जाओ कि जो हमको आता बस वही सब कुछ दुनिया में है, बाकी कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो फिर तो आगे क्या समझाया। ये जितनी भी जो क्लासिक सिस्टमैटिक अप्रोच में जो चीज बातें हुई हैं वो ऑटोमेटिक रिसर्च बेस्ड बातें हैं, और इसको तो बहुत लोगों ने इसमें किया भी, इसलिए इसका जो प्रेडिक्शन होता बहुत अच्छा जाता है। बट इसमें थोड़ी कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयां क्या है हम दूर करने की कोशिश करेंगे, बट आपको दिमाग लगाना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज और आपको अब देखनी है, सभी ग्रहों की दृष्टियां ग्रह और उसकी दृष्टि। देखिए ज्योतिष में ना अगर आप बृहत पराशर होरा शास्त्र लेके चले तो वहां एक पाद द्विपाद त्रिपाद चतुष्पाद ऐसी दृष्टियां दी हुई हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र में, आंशिक दृष्टि पूर्ण दृष्टि। हम लोग केवल पूर्ण दृष्टि को ही मानते हैं, हम लोग आधी आधी दृष्टि को नहीं मानेंगे। इसकी जो है आंशिक दृष्टि है और इसका आंसर बताइए, तो इसपे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा ना, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रखना है। आपको हमेशा क्या करनी है, पूर्ण दृष्टि लेनी है। जैसे मैं पेज नंबर देखूं अगर इसमें दिखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां बताई गई है बृहत पराशर होरा शास्त्र में। ग्रह स्वरूप विशेष देखिए यहाँ कहीं है क्या, लेना नहीं है, बस हम आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। कोई अगर आपसे बोले तो आपको हाँ भाई होती है, लेकिन करना क्या है, करना तो वही जो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन पता होना चाहिए, जैसे कोई आपके सामने अगर बात रखे तो आपको हाँ भाई ये पता तो है लेकिन हम लेंगे नहीं, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, आगे ग्रहों की दृष्टि जो हमारे पास किताब है उसमें पेज नंबर 109 में दिया हुआ है, ग्रहों की दृष्टि। इसमें देखिए लिखा है सूर्य आदि ग्रह भी क्रमशः पूर्वोक्त राशि दृष्टि के अनुसार, इसमें एक राशि की दृष्टि बताई है वो जैमिनी ज्योतिष होगी। जैमिनी ज्योतिष में ना राशियों की दृष्टि बताई गई, अब ये बड़ा कंफ्यूजन करती है। आप पढ़ देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा गया है, सूर्य आदि ग्रह भी क्रमशः पूर्वोक्त राशि दृष्टि के अनुसार ही देखते हैं। राशि दृष्टि की जब भी बात होगी तो जैमिनी ज्योतिष, खिचड़ी ना पकाइए आपस में, खिचड़ी नहीं पकानी, ठीक है, खिचड़ी पकाने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आ गई है। तो दूसरी बात ये कि उत्तर भारत में प्रचलित राशि चक्रवेदी जिसमें दी गई है, तो ठीक होरा शास्त्र में ग्रह की दृष्टि अलग प्रकार से कही गई है, 3, 10, 5, 9, 8, 4 ग्रह की दृष्टि, शनि गुरु मंगल अधिक दृष्टि रखते हैं। देखिए दृष्टि एक पाद जिसको पद कहते हैं, द्विपाद यानी अर्ध, त्रिपाद व पूर्ण भेद से चार प्रकार की होती है, एक पद दृष्टियां, एक पद द्विपद त्रिपद और पूर्ण पद, इतनी दृष्टि होती है। द्विपद मतलब ये आप समझ लो कि ये 50% दृष्टि हो गई तो ये 25% हो गई, ये 75% हो गई तो ये 100% हो गई। हम लोग ज्योतिष के अंदर इन दृष्टियों का कोई महत्व तो नहीं है, कोई बोला नहीं ये ग्रह एक पद दृष्टि से देख रहे हैं तो आप कह दो ये दृष्टि अपने पास रखो, हम नहीं मानेंगे,
मतलब हम नहीं बोला कोई नहीं मानता है, लेकिन अब जो अब क्या करें उनकी विचारों क्या गलती, किताबों में चीज लिखी है वही उन्होंने पढ़ लिया और किसी टीचर से सीखा ही नहीं या समझा नहीं, तो उनको साथ तो प्रॉब्लम ही रहेगी। उनकी विचारों की कोई गलती नहीं है, किताब में ये बात लिखी गई है, लेकिन यहीं पर ये बात लिखी गई है कि हमेशा ही क्या, हमेशा पूर्ण दृष्टि ही स्वीकार की जाएगी। तो देखिए शनि व गुरु मंगल गुप्त अधिक दृष्टि रखते हैं, ठीक है। शनि की 5-9 पांचवी और नवी शनि की 1-पद दृष्टि होती है, 4-8 द्विपद दृष्टि होती है, 7वीं में त्रिपाद और 3-10 में पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो हम क्या करना है, हमको ये बात नहीं माननी है। हमारी बात सबको समझ में आ गई कि हम लोग यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, दृष्टियां कौन सी नहीं लेंगे, 1-पद द्विपद और त्रिपद दृष्टि नहीं लेंगे, हमेशा जो दृष्टि लेंगे वो पूर्ण पद दृष्टि ही लेंगे। ये देखिए इन्होंने राहु केतु की दृष्टि लिया है, अच्छा बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, तो भाई कौन है ये जरा विद्वान आदमी, जरा इनसे बात करें। अंकित जी ये जो आपने दृष्टियां जो लिखी हैं ये किस ज्योतिष के अनुसार लिखी है बता पाएंगे, नहीं बताएंगे। ये जो दृष्टियां लिखी गई हैं आपने लिखी हैं वो किसके अनुसार लिखी गई है भाई, कोई किताब ले आएंगे उठा करके गूगल से, भैया गूगल देव को तो प्रणाम कर लो, यहाँ गूगल बाबा नहीं पढ़ना है। पराशरी ज्योतिष में राहु केतु को कोई दृष्टि नहीं दी गई है, आपको ये पता ही नहीं है तो फिर फालतू बात हो जाती है ना। गूगल तो गूगल से अगर होता तो फिर गूगल बाबा आएंगे भी पढ़ाने आप, ठीक है। तो इसलिए जो बता रहे हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, गूगल से ही पढ़ना है तो फिर गूगल से ज्योतिष पढ़ लीजिए भाई, देखिए बता पाता है कुछ। तो हम लोग हमेशा सभी ग्रहों की कौन सी ले रहे ना, कि आप ये ले लीजिएगा सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि ही ज्योतिष में स्वीकार की गई है। ये बात में जाकर के मिश्रा जी भी इसको लिख देते हैं कि नहीं पूर्ण पद दृष्टि ही मानी जाएगी, ज्योतिष में पूर्ण पद दृष्टि ही मानी जाएगी। अब कौन कौन सी दृष्टि हम लोग जो बात करेंगे वो पूर्ण दृष्टि की बात करेंगे, पूर्ण दृष्टि की, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जहां ये बैठते हैं वहां से सातवें सब दृष्टि देंगे, सातवीं दृष्टि सबकी होगी, जहां पर भी ये बैठेंगे सातवीं दृष्टि सबकी होगी। समझ में आई बात, सबकी सातवीं दृष्टि होगी, ये आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए जैसा जो आप चाहें। मान लीजिए शनि यहां पर बैठे हैं तो शनि की सातवीं दृष्टि कहां जाएगी बताइए, गिना कैसे जाएगा, ध्यान समझिए कैसे गिना जाएगा, जहां शनि बैठे हैं वहां उसको पहला बोलेगी, ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो शनि की सातवीं दृष्टि ये हो गई। जहां कोई भी ग्रह बैठे हैं उसी को एक नंबर बोलना है। सब लोग अपनी अपनी कुंडली में देखेंगे सब ग्रहों की दृष्टियां, सातवीं दृष्टि सबकी होती है। सबने लिखा लग्न पे जाएगी, एकदम ठीक लिखा। मान लीजिए मंगल यहां पर बैठे हैं, मंगल यहां पर बैठे हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से कहां पे देखेंगे बताइए, मुझे भाव बताइए, किस भाव में, भाव भाव देखिए ये सारे भाव फिक्स होते हैं, इसके अंदर राशि बदलती है, भाव तो फिक्स है, ये फर्स्ट हाउस ही तो बता चुके हैं ना, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इसे बता चुके हैं हमको। तो कर्म और मत बोलिए दसवें भाव में, दस टेंथ हाउस, एकदम सही। देखिए यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां सातवीं दृष्टि आ गई, यानी जहां पे कोई ग्रह बैठा है उसको आप एक नंबर बोलिए और वहां से सात गिन लीजिए। जैसे यहां पे देखिए बैठे हैं ये मंगल देव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए गुरु यहां पर बैठ जाए तो इनकी भी सातवीं दृष्टि होगी, हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होगी,
हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होगी, इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ आएगी बताइए, आठवें। बहुत सही, कैसे गिना आपने, देखिए जहां पर ये बैठे वो एक, और हमेशा आपको ना उल्टा चलना, उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए घड़ी तो ऐसे चलती है ना, आप ऐसे चलेंगे, कंफ्यूज ना रहिएगा, आपको हमेशा उल्टा चलना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम लोग फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस ये बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया कुंडली अलग होती है, साउथ इंडिया कुंडली ऐसे चलती है, वो बताएंगे कभी, पहले जो कुंडली पे हमें काम करना है वो समझ लीजिए, यानी कि ये देखें एक, अब ये तो एक हो गया और उल्टा चल रहे घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी देखिए कैसे चलती, घड़ी देखिए ऐसे चल रही ऐसे, और आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, आठवें भाव में गुरु की दृष्टि आ गई, अगर गुरु दूसरे भाव में है तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि हमें दृष्टि देखनी कैसी है, हर ग्रह की क्या होती है, सातवीं दृष्टि होती है, हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, ठीक। उसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी सातवीं दृष्टि के अलावा भी दृष्टि है, कौन सी, मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि भी है, सबकी सातवीं हो गई, सात नंबर हम ऐसे लिख दे रहे हैं ना, जिसे ऐसे आपको समझ पाए, सात नंबर, सात मतलब सातवीं दृष्टि, इसको भैया सातवीं दृष्टि कह रहे हैं, आप कुछ और न समझ लीजिएगा, इसको राशि मत समझ लीजिएगा, ये दृष्टि लिखी है और पूर्ण दृष्टि लेनी है केवल। तो मंगल की सातवीं के साथ चौथी और आठवीं दृष्टि भी होती है, ऐसे गुरु की सातवीं दृष्टि के साथ साथ पांचवी और नवी दृष्टि भी होती है, ये नंबर लिख रहे हैं पांच और नौ, राशि नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देना है आपको, पांच और नौ, शनि की सातवीं दृष्टि के साथ साथ तीसरी और दसवीं दृष्टि भी होती है, यानी कि मंगल गुरु और शनि की एक से ज्यादा पूर्ण दृष्टियां हैं, पूर्ण दृष्टि की बात कर रहे हैं, एक पद द्विपद त्रिपद और पूर्ण पद, एक पद को अगर 25% दृष्टि लीजिए, द्विपद को अगर 50% दृष्टि लीजिए, तो त्रिपद को 75% दृष्टि लेंगे और पूर्ण पद को 100% दृष्टि लेंगे, ठीक है। एक कुंडली बनाते हैं हम लोग, एक कुंडली बनाते हैं ऐसे और देखते हैं, चलिए शनि को हमने पंचम भाव में बैठा दी, शनि की किन किन भावों में दृष्टि जाएगी, कौन कौन सी दृष्टि होती शनि की, तीन सात दस, किन किन भाव में दृष्टि जाएगी, सब लोग अपना दिमाग लगा के अपनी कॉपी में इसको बनाएंगे और अपना दिमाग लगा के हमें आंसर बताएं। पांच सात नौ पांच, जब शनि पांचवें में बैठे हैं तो पांचवें को देखेंगे कैसे भाई, जहां कोई बैठता वहां देखे कैसे, इसे नीचे, अरे देखता सामने है किसे नीचे देखेगा है? देखिए गिनिए तीन सात दस, पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए, शनि की तीन सात दस दृष्टियां होती है, तो कैसे एक दो तीन, यानी कि उनकी तीसरी दृष्टि तो देखिए सातवें भाव में आई, चलिए सातवीं देखते, एक दो तीन चार पांच छह सात, सातवीं दृष्टि देखिए यहां ग्यारहवें भाव में आई, अब देखिए दसवीं दृष्टि, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, और दसवीं दृष्टि दूसरे भाव में आई, यानी अगर शनि पंचम हाउस में बैठ गए हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो पांचवें भाव में बैठ करके वो सातवें भाव को ग्यारहवें भाव को और दूसरे भाव को देखेंगे, सब लोग समझ पा रहे हैं हमारी बात, जो लोग नए भी हैं वो भी प्रयास करें, देखिए प्रयास करने से ही समझा जाएगा, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो कि अभी आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक दिन सीख जाएंगे, एक दिन हमको भी कुछ नहीं आता था, सब सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ये सब, और ये सब बेसिक चीजें हैं हर एस्ट्रोलॉजी में, चाहे आप केपी लगाएं चाहे जो लगाएं, सब में ये सब काम करने वाली चीज है, ठीक है। अब चलिए दूसरी कुंडली बनाते हैं हम लोग, बहुत आराम से सबको सीखना, अपने घर में ऐसे बना बना के देखिए, और मैंने आपको फार्मूला बता दिया, जहां पे कोई ग्रह बैठा है वो वही एक नंबर होगा,
जहां कोई बैठा उसके अगले भाव को एक नंबर मत मानिएगा, जहां पे कोई ग्रह बैठा है उसी को एक नंबर मानिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बैठा देते हैं मंगल को दसवें भाव में। अब मुझे बताइए मंगल कहां कहां अपनी दृष्टि पूर्ण दृष्टि डालेगा। मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है, चौथी सातवीं और आठवीं। मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है, चौथी सातवीं और आठवीं। अच्छा ठीक, हाँ आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग, सही दे रहे हैं हमें लगता है, सही एकदम सही जी, सभी लोग आंसर दे रहे हैं एकदम सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। यस प्रयास आपको सीखने में आ गए। देखिए तो चौथी दृष्टि देखते तो हम यहीं से एक नंबर, एक दो तीन चार, यानी मंगल की चौथी दृष्टि लग्न में आ गई, फर्स्ट हाउस पे आ गई। सातवीं दृष्टि के लिए यहीं से गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी वो आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, और आठवीं दृष्टि से वो पांचवें भाव को देख रहे हैं। तो मंगल यहां से बैठ के तीनों भाव पे अपनी नजरें रखेंगे, तीनों भाव पे अपनी नजरें रखेंगे। तो पहला भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव मंगल देखेंगे, अगर मंगल दसवें भाव में बैठे हैं तो। मंगल दसवें भाव में बैठे हैं तो सबको क्लियर हो रहा है, दृष्टियां समझ में आ रही है सबको। ऐसे अगर बृहस्पति, चलिए कुंडली और हमने ली, अभी देखिए राशि उसी बाद में बात करें, पहले आप ग्रहों की दृष्टियां देखिए। चलिए बृहस्पति को हमने नवे भाव में बैठा दिया गुरु, और गुरु की कौन कौन सी दृष्टि है, पांच सात और नौ। तो बताइए गुरु की पांच सात नौ दृष्टि कहां जाएगी, किन किन भावों पे आएगी, सब लोग आंसर देंगे। अरे हाउस बताइए ना, हाउस लिखने से नहीं होगा जी। हाँ सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, सबका सही आंसर आ रहा है, अच्छा बिल्कुल सही। तो आप सीख गए फिर ना, दृष्टि देखना सबको आ गया है, बहुत सारे लोगों को आता था, बट जो नए हैं जो अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया उनको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहां से गिनिए, एक दो तीन चार पांच, तो पांचवी दृष्टि आ गई लग्न पे। छह सात, सातवीं दृष्टि आ गई यहाँ तीसरे भाव में, और नवी दृष्टि आ गई पांचवें भाव में। अब आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप कोई भी प्लेनेट देखें तो आप देखते देखते कहें ये देखिए दृष्टि यहाँ आ रही, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। क्या आपको पता चला प्लेनेट देखा आपको तुरंत समझ में आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ऐसे तो आपको फिर आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो दृष्टियां समझ में आ गई आपको। अब जरा एक बात और समझते हैं हम लोग, ये पूर्ण दृष्टि हमने लिखी, अब देखिए फिर से वही आते जी, क्या लिख रहे हैं, दृष्टि का फल। अरे अभी फल और नहीं बताएंगे, अभी फल और फूल बाद में बताएंगे रवि जी, फल भी खिलाएंगे फूल भी खिलाएंगे, ठीक है, महत्व तो छोड़ दीजिए, अभी अभी देखना सीखिए, रिजल्ट भी पहले पहुंचने लगते हैं। फल और फूल की बात ना करिए, अभी तो आपको प्रयास करना है तब फल आएंगे, फिर फूल आए, फिर फूल आएंगे पहले तब फल आएंगे, तो फूल सूखेगा और फल खाइएगा, ठीक है, थोड़ा काम करिए पहले। देखिए फिर से वही प्रॉब्लम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दो फेमस ब्रांच कौन सी, एक तो क्लासिकल जो पुरानी वाली ज्योतिष है वैदिक ज्योतिष, और एक मॉडर्न। मॉडर्न कौन सी होगी, सिस्टमैटिक अप्रोच, ऐसे बोलेंगे हम लोग, ऐसे का मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच ये कहती है कि राहु और केतु की भी दृष्टियां होंगी। सिस्टमैटिक अप्रोच ने ही कहा था कि राहु और केतु के उच्च और नीच भाव होंगे। तो राहु का उच्च और नीच भाव कौन सा है, राहु का कौन सा उच्च भाव है, वृषभ, और नीच हो जाएगा वृश्चिक, और केतु का उच्च भाव वृश्चिक और नीच भाव वृषभ।
तो सिस्टमैटिक अप्रोच ऐसे क्या कहती है कि राहु और केतु की भी दृष्टियां मानी जाएंगी और इसको ये लोग लेते भी हैं और इनका फलादेश भी अच्छा जाता है। तो अब बातों को ये समझना है कि अगर जो वैदिक क्लासिकल पुरानी वाली ज्योतिष की प्रैक्टिस करता है वो आपसे बहस करेगा कि नहीं राहु केतु की दृष्टि तुम ले रहे हो गलत है, कह रहे हो हाँ आपके अनुसार गलत है क्योंकि आप क्लासिकल ज्योतिष की बात कर रहे हैं, जो सिस्टमैटिक अप्रोच है उसके थ्रू अगर आप बात करेंगे तो वहां राहु और केतु की दृष्टि आपको ऐसे क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा तो आप पढ़े लिखे आदमी कहलाएंगे। तो लड़ रहे हैं सब लड़ रहे हैं आप भी लड़िए, अरे लॉजिक भी होगा ना आपके पास, लॉजिक भी होगा। अब कोई क्लासिकल ज्योतिष पढ़ रहा है उसमें तो वो राहु केतु की दृष्टि नहीं लेगा, वो लेगा ही नहीं दृष्टि। जो सिस्टमैटिक अप्रोच पढ़ रहा है वो राहु केतु की दृष्टि लेगा। तो अब आप देखिए अगर आप क्लासिकल ज्योतिष के अनुसार चीजों को पढ़ रहे हैं तो वहां राहु केतु की दृष्टियां लेने की गलती मत करिएगा वरना आपका फलादेश गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा ज्योतिष को पढ़ेंगे जो ये वाली ब्रांच है तो उसमें राहु और केतु की दृष्टि लेनी है, कहां लेना है कहां नहीं लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सब कुछ तौले जा रहे हैं एक ही में भर लिया वही खिचड़ी बना डाली, खिचड़ी मकर संक्रांति को खाई जाती है खत्म हो गई खिचड़ी, अब खिचड़ी नहीं खाना। सब चीजें अलग अलग भी तो पता हो कि किसका क्या स्वाद है, कहां लेना है कहां नहीं लेना। समझ में आया सबको, सिस्टमैटिक सर को ही है क्या है? दीपक जी समझ नहीं पा रहे क्या पूछना चाह रहे हैं, दीपक जी आप पूरी बात लिखिए। सिस्टमैटिक सर को है क्या मतलब, समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है तो ये वाली ज्योतिष कहती है कि नहीं राहु और केतु की दृष्टि होगी, बट अगर आप क्लासिकल ज्योतिष करते हैं तो वहां राहु केतु की दृष्टि मत लीजिएगा वरना वो फार्मूला आपका गलत हो जाएगा। हाँ बताइए क्या प्रश्न है। जैसे लग्न में मंगल, अरे यार अभी हम पढ़ा ही नहीं रहे भाई, कहां सब कहां हमको क्या पता किसका असर ज्यादा होगा भाई। अंकित जी आप बहुत परेशान आदमी है, हम कहां भी पढ़ा रहे हैं कुंडली आसन असर बताया मैंने, सिस्टमैटिक केपी नहीं भाई, सिस्टमैटिक केपी सिस्टम नहीं है दीपक जी, सिस्टमैटिक अप्रोच वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सेकंड ब्रांच है और एक ब्रांच है क्लासिकल जिसको पराशरी ज्योतिष भी कहते हैं आप, पराशरी ज्योतिष यही है क्लासिकल। अब आजकल तो मैंने देखते हैं कि मार्केट में पराशर के नाम पर इतना ज्यादा धांधली चलती है कि पराशरी ज्योतिष लिखा है और फिर भी वहां राहु केतु की दृष्टि बताए पड़े, मतलब हमें लगता है लिखने वाला भी कंफ्यूज है। व्याकरण की ऐसी तैसी ना करें दीपक जी। अरे ठीक है, जो पराशरी ज्योतिष है, पराशरी ज्योतिष जिसको आप क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं उसमें उसका अगर कोई फार्मूला आपने उठाया तब आपको राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं लगानी, अगर आप इसका फार्मूला उठाएंगे तब लगा। यही गलतियां हो रही है लोगों से, वो फार्मूला कहीं कुछ पढ़ लेते हैं और उनको पता नहीं कि वो किस ज्योतिष के अनुसार फार्मूला और उसको सब जगह लगाते ले तौल ले तौल ले तौल ले, ये गड़बड़ है इसीलिए गलतियां होंगी। जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक एडवांस पार्ट है, इसमें कुछ फार्मूले क्लासिकल ज्योतिष से अलग होंगे, हम आपको बताते जाएंगे क्या क्लासिकल ज्योतिष कहती है और क्या सिस्टमैटिक अप्रोच एस्ट्रोलॉजी कहती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपसे सबसे बड़ी गलती क्या होगी बताइए, आपसे सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आपने फार्मूला पराशरी का पढ़ा और उसको आप सिस्टमैटिक पे लगा रहे हैं, या गलती होगी कि आपने सिस्टमैटिक का फार्मूला पढ़ा और आप क्लासिकल पे लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जिस ज्योतिष
को देख रहे हैं उसी ज्योतिष के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। तो डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। तो सिस्टमैटिक अप्रोच ये कहता है कि राहु और केतु की भी दृष्टि मानी गई है, राहु और केतु की, राहु और केतु की जो दृष्टि मानी गई है, जो गुरु की दृष्टि है, गुरु की, बृहस्पति की, वही राहु और केतु की भी दृष्टि है। कौन सी? पांचवी, सातवीं और नवीं। पांचवी, सातवीं और नवीं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। राहु और केतु की दृष्टि किस किस के अकॉर्डिंग है? SA के अकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक अप्रोच। वो क्लासिकल के द्वारा नहीं है, वो क्लासिकल के द्वारा नहीं है, वो सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके आगे। तो दृष्टियां आपको क्लियर हो गई, और राहु और केतु की दृष्टि हम लोग क्लासिकल में नहीं लेते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब हर ग्रह की अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि। तो आइए मूल त्रिकोण राशि लिखिए आप सबकी डायरी, ग्रह और उसकी मूल त्रिकोण राशियां, ग्रह और उसकी मूल त्रिकोण राशियां, ग्रह उसकी मूल त्रिकोण राशियां। ग्रह और उसकी मूल त्रिकोण राशि, ग्रह और मूल त्रिकोण राशि। ग्रह और मूल त्रिकोण राशि, ठीक है। देखिए जैसे सूर्य की मूल, देखिए सूर्य और चंद्रमा की तो एक ही राशि, तो सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि होगी वो तो सिंह होगी, सिंह यानी वही पांच नंबर। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क नहीं होगी, वृषभ होगी, वृषभ होगी। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी हो जाएगी? वृषभ। तो सर चंद्रमा तो वृषभ में उच्च का भी होता है, और चंद्रमा की वृषभ राशि मूल त्रिकोण राशि भी है, हाँ? तो अब ये कैसे पता चलेगा कि उच्च का है कि मूल त्रिकोण राशि? डिग्री बताएगी, 3 डिग्री से 30 डिग्री तक चंद्रमा अगर वृषभ राशि में है तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और अगर 0 से 3 डिग्री तक है तो चंद्रमा उच्च राशि का है, चंद्रमा उच्च राशि का है। ये अंतर है, डिग्री का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक। मंगल की मेष राशि, ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है, ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध की जो कन्या राशि है वो इसकी मूल त्रिकोण राशि है। अब देखिए बुध कन्या में उच्च का भी होता है और बुध कन्या की मूल त्रिकोण राशि भी है। तो 0 से 15 डिग्री में मैंने लिखवाया था कि कन्या में बुध उच्च का है, तो 15 डिग्री से 20 डिग्री तक कन्या में बुध रहेगा तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बुध। इसी प्रकार से बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु है, क्या है? धनु। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, गुरु एक धनु वाले 9 नंबर, कन्या वाले 6 नंबर, जानते हैं ये बात, वृषभ वाले 2 नंबर। ऐसे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला की है, जैसा बहुत फंडामेंटल फार्मूला है तुला राशि,
ऐसे शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ की है। ठीक है, समझ में आ गया। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ की है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, आधे लोग तो जहां बैठे वहां से कूद जाएंगे, कूदने की जरूरत नहीं, आराम से बैठिए क्योंकि ज्योतिष का फर्केशन स्टार्ट हो रहा है। फर्केशन मतलब अलग अलग डायरेक्शन में। आपने पढ़ी है क्लासिकल ज्योतिष, गलत नहीं है, सही है। हम लोग पढ़ रहे हैं अब सिस्टमैटिक अप्रोच, जो क्लासिकल से ज्यादा इंपैक्ट डालेगी एक्यूरेसी में, क्लासिकल से ज्यादा एक्यूरेट आपका प्रेडिक्शन देगी। तो हम लोग क्लासिकल से कहां चल रहे हैं, शुक्र की डिग्री नहीं दिखेंगे। शुक्र की डिग्री क्या जरूरत है भाई, शुक्र तो तुला राशि में ही है ना। शुक्र तुला राशि का उच्च का थोड़ी ना होता है, जहां पर जो राशि उसकी उच्च की भी है और वही मूल त्रिकोण राशि बन गई, वहां पे आपको डिग्री देने की जरूरत पड़ेगी ललित जी। जैसे चंद्रमा की वृषभ राशि, चंद्रमा में वृषभ राशि देखिए उच्च का है, तो 0 से 3 डिग्री उच्च का होगा। और 3 से 30 डिग्री में वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का होगा। ऐसे बुध के साथ कन्या में वो उच्च का भी है और कन्या उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। उच्च का होगा 0 से 15 डिग्री तक और 15 से 20 डिग्री उसकी क्या हो जाएगी, मूल त्रिकोण राशि होगी। अब आगे की जरा कहानी जरा आराम से समझेंगे सारे लोग, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए पराशरी ज्योतिष में बृहत पराशर मौराशास्त्र और अदर जो इनकी बुक्स हैं, उन सब जगह आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि हर ग्रह की दो राशियां हैं, हर ग्रह की दो राशियां हैं, लेकिन कोई भी ग्रह किस राशि का असर ज्यादा देते हैं मूल त्रिकोण का, कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देंगे। अब यहीं से सिस्टमैटिक अप्रोच ने पॉइंट उठा लिया और बहुत सारी बातें बता डाली। ये पराशर जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, इसको बोला था लेकिन ध्यान नहीं दिया किसी ने, इसको वराहमिहिर ने भी इसको बोला, मतलब सबने इसको बोला है कि कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण का ज्यादा फल देंगे। लिख लीजिएगा, कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि के फल को फलित करते हैं, कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि के फल को फलित करते हैं। अब जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात, हम इतना यहां लिख दे रहे हैं सबका, जैसे सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि मूल त्रिकोण राशि लिख दे रहे हैं हम सबकी, मूल त्रिकोण राशि जल्दी से लिख देते हैं। सूर्य की सिंह हो गई, चंद्रमा की दो हो गई, मंगल की, मंगल की बताइए मेष हो गई, बुध की कन्या हो गई, गुरु की क्या हो गई धनु हो गई, शुक्र की तुला हो गई और शनि की कुंभ हो गई। ये इनकी मूल त्रिकोण राशि जरा देखिएगा। चलिए कौन से लग्न की कुंडली ली जाए, चलिए हम ले लेते हैं मेष लग्न की कुंडली। क्या ले लेते हैं, क्या चीज बता दे भैया नीरज जी, मूल त्रिकोण राशि में मैंने बताया कि कोई भी ग्रह है अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देंगे, मूल त्रिकोण राशि का फल देंगे। अब जो हम आगे चल रहे हैं ये सिस्टमैटिक अप्रोच से चल रहे हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि के बारे में क्लासिकल ज्योतिष भी कहती है, लेकिन क्लासिकल यानी पुरानी ज्योतिष पराशरी ज्योतिष में उस पर काम ज्यादा नहीं हुआ, तो नई बातें समझ में कम आई, तो इसको हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच से उठा रहे हैं। काज मिथुन के पीछे काय पड़े हो भैया, एंड्रॉइड ब्लू डॉट
काहे मिथुन के पीछे पड़ गए भाई, मिथुन से तुम्हारी का दुश्मनी हो गई। मिथुन के लिए गुरुजी मुझे समझ में ज्यादा आएगा, काहे और बाकी लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं उनका क्या होगा, 85 लोग बैठे हैं क्लास में, तो आपको समझाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती बना दे हम। आप एक बात समझो, सबका लेते हैं। देखिए भाई, हमने चलिए मेष लग्न लिया, मेष एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मेष लग्न है, लग्न ये होती है सबको पता है। अब यहां पर इसका जो स्वामी है मंगल, लॉर्ड हो गया ना मंगल, मंगल किसके लॉर्ड है, मेष के और वृश्चिक के, मेष और वृश्चिक के लॉर्ड है। तो मंगल कहां का फल देंगे, लग्न का फल देंगे कि आठवें भाव, क्योंकि ये तो पहला भाव है और ये तो आठवां भाव है, क्योंकि मंगल की दूसरी राशि आठवें में पड़ी है और मंगल की पहली राशि लग्न में पड़ी है, तो मंगल फल कहां का देंगे, लग्न का कि आठवें भाव का, मुझे इतनी बात बताइए। हाँ एकदम सही बताया भाई मनोज जी आपने, एकदम सही लग्न का, एकदम सही अंकित जी, हाँ प्रभात जी एकदम सही, लग्न का क्यों लग्न का देंगे, दिमाग लगाइए। मैंने अभी एक फार्मूला आपको लिखवाया कि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देंगे, कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देंगे, तो इनकी मंगल की मूल त्रिकोण राशि कहां पर पड़ी है, लग्न में पड़ी है ना, तो मेष राशि में मंगल लग्नेश कहलाएंगे। मेरी बात फिर से देख लीजिए, अरे भाई ये देव, देव क्या दलचंद जी, केंद्र त्रिकोण जरा चूल्हे में डाल दीजिए, ये सब क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है, जरा मेरी बात दिमाग से सुनिए वरना समझ में नहीं आएगा, फिर आप वही चौथा आठवां करते रहेंगे। फिर केंद्र उन्द्र कुछ नहीं होता, वो अभी बताएंगे क्या होता है केंद्र त्रिकोण क्या होता बताएंगे, जो मैं बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी के चक्कर में ये बात रह जाएगी। यहां पर मेष चूंकि मंगल की क्या है, लग्नेश है, मंगल लग्नेश है। अब जरा एक काम लोग करते हैं, यहां पर हम वृश्चिक लग्न की कुंडली बना देते हैं, क्योंकि मंगल की दूसरी राशि कौन सी होती है, वृश्चिक, वृश्चिक लग्न आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पांच छह सात। अब बताइए यहां पर इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न कुंडली में मंगल कहां का असर दे रहे हैं आपको, मंगल कहां का फल दे रहे हैं इस कुंडली में, मंगल कहां का फल दे रहे हैं इस कुंडली में, छठे भाव का, एकदम सही। क्यों, अब देखिए मंगल की राशि वृश्चिक लग्न में भी पड़ी है और छठे भाव में पड़ी है, तो यहां पर मंगल को वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल को लग्नेश कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, मुझे इस बात का आंसर दीजिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल को लग्नेश कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, एकदम सही बात है, गलत है ये कहना, वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल लग्नेश नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंगल वृश्चिक के लॉर्ड नहीं है, वृश्चिक के लॉर्ड हैं, बट इस कुंडली में मंगल लग्नेश नहीं है, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में पड़ी हुई है छठे भाव में। अब आपको पता है, ये बात नहीं पता तो पता कर लीजिए, कुंडली में तीन भाव ही खराब माने गए, बाकी सारे भाव अच्छे होते हैं, कौन से तीन भाव खराब माने गए, छठे आठवें और बारहवें, नोट कर लीजिए इसको, कुंडली में केवल तीन भाव ही खराब माने गए हैं, छठा भाव आठवां भाव और बारहवां भाव, बाकी सारे भाव अच्छे, बाकी सारे भाव अच्छे हैं। अरे भाई क्या दिक्कत है संजय जी, कहां अजूगा, लग्न का स्वामी तो लग्नेश होता होता है क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में, पराशर के समय ये बात कही जाती थी, आज के समय में नहीं कही जाती है, नई रिसर्च भी हुई है, उस रिसर्च को कहीं लिखा ही नहीं गया,
प्रोफेसर वीके चौधरी ने बड़ा खोल खोल के लिखा है, ज्योतिष रत्नाकर पे गोपेश कुमार ओझा जी ने बहुत इसके बारे में बताया है, पराशर जी ने भी लास्ट में जाते जाते यही बात कह दी थी। बट न कोई बताने वाला रहा, न सीखने वाला रहा, न समझने वाला रहा, न समझाने वाला रहा। जब खुद ही नहीं समझे तो समझाएंगे क्या? वो बातें तो गायब हो गई, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई। अब वो बातें जब गायब हो गई तो अब जो पुराना और नया जो खिचड़ी पक गई उसमें समस्या लीजिए, आप देखिए मजा लीजिए, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं लग्नेश कौन होगा अभी हम बात ही नहीं कर, अभी जो प्रभात जी मैं जो सिखा रहा हूं केवल उतना सीखिए। अब मैंने कहा वृश्चिक, अब लग्नेश कौन होगा वो बात की बात है, थोड़ा आगे के लिए भी रखे ना, सब आज ही थोड़ा ना पढ़ा देंगे। धीरे धीरे हर चीज को सीखना है, मजे ले लेकर के, बहुत टेंशन नहीं सीखना। जैसे अंकित जी ये क्या होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से सब चीजें समझ ली हमने। देखिए अब जरा मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल तो लग्नेश रहे नहीं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में, और मैंने कहा कुंडली का छठा आठवां भाव बारह भाव खराब होता है। अब आप समझो किसी भी वृश्चिक लग्न कुंडली वाले की व्यक्ति की, कोई व्यक्ति है जिसकी अपनी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, उसकी मंगल की दशा आ जाए तो आप समझ रहे हो ना छठे भाव से संबंधित उसको फल मिलेंगे, रोग मिलेगा, लिटिगेशन हो सकता है, कर्ज हो सकता है। जबकि उसकी और पुरानी ज्योतिष क्या कहती थी, अरे आपकी तो लग्नेश की दशा आ गई, आप तो बहुत बस आप समझ लीजिए आप घोड़े पर चढ़ जाइए कूदने लगी, कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए ये दिक्कत आएगी, और तो और इतने बड़े बड़े ज्योतिष लोग बैठे हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली को मूंगा पहना देंगे, मंगल का रत्न पहना देंगे, वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आई कि ये देख रहे हैं मंगल छठे में आ गया है, मूल त्रिकोण राशि मैंने लिखवाया। कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देते हैं, छठे आठवें बारहवें भाव को बुरा भाव मानते हैं, और सबसे बुरा भाव कौन होता है, आठवां भाव। सबसे बुरा भाव कौन होता है, आठवां भाव। ये तीनों ही बुरे हैं अपने अपने आप में, सब एक से एक को महारथ हासिल है, छठे को अपने को हासिल है, आठवें को अपने को हासिल है, बारहवें को अपने को हासिल है, मतलब कोई किसी से कम नहीं, बट इन सब में राज यही करता आठवां, आठवां राज करता है। तो मंगल वृश्चिक लग्न में लग्नेश नहीं है, सस्तेश है, रोगेश है, तो ये इसके लिए तो दिक्कत पैदा कर देंगे, ये इसके लिए दिक्कत पैदा कर देंगे। बात समझ में आ गई? अरे कहीं हो, पहले हम लोग राशि की बात समझे, मंगल लग्न में हो चाहे जहां बैठ जाए, बैठे कहां तो गड़बड़ी तो करेंगे। जो देखिए दो सिस्टमैटिक अप्रोच कहती है, सिस्टमैटिक अप्रोच कहता है कि दो टाइप के प्लैनेट हैं, एक फंक्शनल और एक है नेचुरल। अब ये अंतर क्या है, फंक्शनल क्रियात्मक, यानी कुंडली में जो लग्न में जो राशि आ रही है, और नेचुरल मतलब नेचुरल जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक। कुंडली में लग्न में जो राशि आ रही है, राशि उसके अनुसार हर प्लेनेट को अपना कर्म करने के लिए बोला गया है। ये हो गई उनकी फंक्शनल यानी क्रियात्मक एक्शन, क्रियात्मक कार्रवाई। एक है नेचुरल, नेचुरल मतलब वो नेचुरल ऐसा है, बट यहां पर सिस्टमैटिक अप्रोच में नेचुरल को हम जो मानेंगे मानेंगे, फंक्शनल को ज्यादा मानेंगे। यानी कि समझिए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर कहां का फल देगा, ये बात हम नहीं बोल रहे, पराशर भी कहेंगे, वो भी क्या नाम है, नाम ही याद आ रहा है, सब लोग कह गए इस बात को, लेकिन इस पर काम ही नहीं हुआ। सिस्टमैटिक अप्रोच ने काम करना इस पर चालू किया, देखिए फल इसको बढ़िया टमाटर मिलने लगे। अब पता चला वृश्चिक लग्न कुंडली में आपने कहा कि मेष
यहां का स्वामी है छठे भाव का। अब आपने कहा कि मंगल लग्न में बैठ गया, अपनी राशि में बैठे हैं नो डाउट, बट वो काम कहां का करेंगे, छठे भाव का काम करेंगे ना। और लग्न कौन है बोलिए, लग्न कौन है, हमारा शरीर, और छठा भाव कौन है, रोग। जिस वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल बैठ जाए आदमी रोगी रहेगा, उस पर लिटिगेशन रहेगा। कब, जब दशा और अंतरदशा आ जाए और साथ में गोचर भी फिट हो जाए, बर्बाद कर देगा ये आदमी। और आप एक काम करिए, आप उसको मूंगा उंगा पहना दीजिए और मजा लीजिए आप, फिर देखिए आप मजा, फिर देखिए मजा। समझ में आ रही बात, क्या गलती नहीं करनी और पूरी दुनिया क्या गलती कर रही है वो मैं बार बार बता रहा हूं, इसीलिए ज्योतिष का नाम खराब हुआ पड़ा है। वो कहे अच्छा लग्न तो सबने कहा कि जो भी लग्न है वो तो अच्छा ही होगी, नहीं, मूल त्रिकोण राशि देखनी है आपको। और जरा आज शायद पता नहीं क्या, आज मैंने करीब 6-7 लोगों की कुंडलियां देखी, एक मतलब आप ही लोग में पढ़ते हैं उन्हीं की कुंडली आई थी मेरे पास। कौन थे, क्या नाम था आप, मतलब नाम अनिल जी नाम था शायद, अनिल जी आप हैं क्लास में, अनिल जी क्लास में है, अरे हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए, सर नो सर कुछ लिख दीजिए, नहीं अच्छा अनिल जी आप ही से मतलब बात हुई थी क्या, आज कुंडली आपकी मैंने देखी थी क्या, नहीं आपकी नहीं देखी थी ना, जिसकी भी थी मुझे जितना याद आ रहा शायद उनकी तुला लग्न की कुंडली थी, तुला लग्न की कुंडली थी उनकी। आज किसी ने कंसल्टेशन हमसे ली थी, मतलब कई पांच छह लोगों ने ली थी यार, तो एक आप ही लोगों से पढ़ते थे, उन्होंने बुक कराया था कंसल्टेशन, शायद उनका 2 दिन पहले से बुकिंग थी, बट हमारे पास टाइम नहीं था, तो शायद उनका आज नंबर आया था, तो फोन आया कि आपको इनका देखना है, तो मैंने देख लिया। तो देखिए उनकी कुंडली, मतलब मुझे याद तो नहीं है, बस इतना याद है कि तुला लग्न कुंडली, देखिए मजा देखिए आप, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे ये बताइए बुध यहां के फल कहां देंगे, बुध यहां, बुध कहां का फल देंगे, बुध, बुध कहां का फल देंगे बताइए। देखिए ये जितने पुराने वाले हैं ये भैया एक बार गंगा जी नहा के आओ यार, 12वें भाव का फल देंगे, 9वें का फल नहीं देंगे। देखिए बुध की मूल त्रिकोण राशि कहां पर है, कन्या राशि है, बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है, और कन्या राशि कहां पर आई पड़ी है, 12वें भाव में आई पड़ी है। इनके साथ घटना क्या घटी, इनके ऊपर बुध की अंतर्दशा ही बता रहे थे, और कि लखनऊ में कोई बहुत बड़ा नाम है एस्ट्रोलॉजर का, पता नहीं कोई भी नाम है, हम तो कभी नहीं सुना है, उन्होंने दिखाया लखनऊ में, और महाशय जी को इनको व्यक्ति ने पन्ना पहनवा दिया। क्या पहनवा दिया, पन्ना, पन्ना, पन्ना मतलब बुध का रथ है पन्ना। और आप देख रहे हो क्योंकि उस व्यक्ति को भी नहीं पता होगा, इनको बता रहे थे कि 42-43 हजार का पन्ना दिया था, और उसने सोचा कि 9वें भाव में मिथुन राशि यानी भाग्येश बुध हो गए, उसने ये चीज तो पढ़ी नहीं, पुरानी किताब पढ़ के बैठा है, और इनको पन्ना बैठा है, इनकी दर दर भटकने की स्थिति आ गई, रोटी रोटी कर रहे मोहताज है, वो होना ही था। 12वां भाव व्यय का, खर्चे का, आइसोलेशन का, जेल का, शुक्र करो जेल नहीं गए, हो सकता जेल भी चले गए, वैसे गए नहीं हूं क्योंकि दशा नहीं थी इसे। अरे अभी डिग्री छोड़िए ना, पहले जो बता रहे भैया हमको समझे नहीं आता, जो बताते वो छोड़ के दूसरे दुनिया में घूम आते हैं भाई आप लोग, जो समझा रहे हैं उसको समझ करके किताब में अपने दिमाग में लिख लीजिए, आपकी ज्योतिष की ऑफिस बढ़िया चलेगा, वरना आप ऐसे करेंगे कोई व्यक्ति आएगा और देख रहे हैं यहाँ बुध कहाँ का फल देगा, बुध यहाँ कहाँ का फल देगा, 12वें का, क्यों, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि तो 12वें में पड़ी है, वो 9वें का फल थोड़ी ना देगी, यानी कि कुंडली में बुध 12वें भाव का फल देगा, तो इस कुंडली में बुध को भाग्येश मत कह दीजिएगा। क्यों नहीं कहेंगे बुध को भाग्येश, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कुंडली के उस भाव को लेना है जहां पर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लैंग्वेज सुनेगा, कुंडली में ग्रह के साथ उस भाव को जोड़ा जाएगा
जहां पर उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ी है, जहां पे ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो, इनको जो है पन्ना पहना दिया किसी व्यक्ति ने, वो कोई लखनऊ के बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर थे। अब बढ़िया तो आपको खुद ही समझ में आ गया कितने बढ़िया थे। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मुझे दुख होता है कि जब आप एक अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किताबें क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं है। पर जो हमें आता वही दुनिया में सब कुछ है, बाकी तो सब मूर्ख है। ये सब किताबों में सब चीजें लिखी हुई है। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? यानी कि इस कुंडली में भाई लोग आप समझिए कि बुध भाग्येश नहीं होगा। मैंने कहा किसी भी ग्रह के साथ भाव को तब जोड़ा जाएगा जब उस कुंडली में क्या हो जाए, उस कुंडली में वो जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी। बताइए शुक्र लग्नेश होगा कि अष्टमेश होगा? शुक्र लग्नेश होगा कि अष्टमेश होगा? बताइए इस कुंडली में शुक्र लग्नेश होगा कि अष्टमेश होगा? देखिए ये भैया, हम इतने तो महान महान लोग पढ़े हैं आपके बैच में, लग्नेश होगा क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है और तुला लग्न में आ रही। यहां पे शुक्र को क्या बोला जाएगा? लग्नेश। यहां पे शुक्र को अष्टमेश नहीं कहेंगे। यही है क्रियात्मक, कुंडली के अनुसार ग्रह की प्रकृति तैयार होगी। कुंडली के अनुसार क्या जी? संजय त्रिपाठी जी क्या लिख रहे हैं? जैसा आपने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया हमने? दोनों नहीं भाई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब दोनों कैसे सत्यव्रत जी, दोनों कैसे? अभी मैंने आज आपको बात बताई, पहले तो मैंने बताया कि हर ग्रह की दो राशियां होती हैं। अब उस राशि में भाव किसको लेना है? जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी है। तो मूल त्रिकोण राशि तो शुक्र की तुला है और तुला तो यहां पर है, तो इसको अष्टमेश थोड़ी ना कहेंगे। यानी तुला लग्न की कुंडली में शुक्र अष्टमेश नहीं होगा बल्कि लग्नेश होगा, अच्छा होगा। लेकिन जब यहीं पर आप क्या कर लीजिए, वृषभ लग्न की कुंडली कर लीजिए, जरा वृषभ लग्न की कुंडली कर लीजिए, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक, बताइए यहां शुक्र अच्छे हैं कि खराब है? शुक्र अच्छे हैं कि खराब है, बताइए। यहां पे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहां पर है? खराब हो गए, एकदम सही। क्यों? क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आ गई। सिस्टमैटिक अप्रोच कहती है कुंडली में तीन ही भाव खराब होते हैं, छठे आठवें बारहवें। अगर इस भाव में कुंडली की किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ी है तो उस ग्रह से आप दूर ही रहिए। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट, इसी को हर ज्योतिष यूज कर रहे हैं। और जब आप उनसे बोले हाँ 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 ये तो मैंने पढ़ा पढ़ा, तो अप्लाई करो ना इसको। सिस्टमैटिक अप्रोच में अप्लाई किया गया और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। एक तो मैंने जब इससे पहले एग्जाम्पल दिया था तुला लग्न में, वो अनिल जी थे वो बुध, उनको पन्ना जबकि भाग्येश था पहना दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि बुध फल कहाँ का देगा। हमेशा कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही फल देगा, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने मिथुन लग्न की कुंडली ले ली, अभी कोई एंड्रॉइड फोन वाले कह रहे थे कि वही हमको समझाइए, मिथुन हमको ज्यादा समझ में आता है। तो समझो भैया, मिथुन भाई तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक, तो यहां पर बुध लग्नेश होंगे या नहीं होंगे? इस कुंडली में बुध लग्नेश होंगे या नहीं होंगे? नहीं, एकदम सही। आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छा हुआ हमारी मेहनत थोड़ी सफल हो गई। क्योंकि लग्न में बुध की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, बुध यहाँ चतुर्थेश है। दोनों ही अच्छे हैं लेकिन लग्न ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लग्न को हम ज्यादा पढ़ाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे बुध चतुर्थेश होंगे क्योंकि यहां पर बुध की मूल त्रिकोण राशि यहां पर आ रही है। अब आप देखिए
ये कन्या लग्न ले लिया आपने, कन्या लग्न ले ली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब बुध कहां का फल देंगे, लग्न का फल देंगे कि दसवें भाव का फल देंगे? बुध कहां का फल देंगे, लग्न का फल देंगे कि दसवें भाव का फल देंगे? लग्न का। अब मान लीजिए इस व्यक्ति पर बुध की दशा स्टार्ट हो गई अंतर दशा। अब ये क्लासिकल वाले जितने हैं या जो कम पढ़े लिखे कहेंगे, अब आपके दसवें भाव की दशा स्टार्ट हो गई है, अब आपको अपनी रोजी रोटी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। भैया वो अपने स्वास्थ्य के बारे में इतना सोचे, दसवें भाव के लिए बुध नहीं जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि कन्या लग्न की कुंडली में बुध जो है दसवें का और लग्न का, लग्न का वो लग्नेश है, दसवें के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा, दसवें के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सारी कुंडलियां बना बना करके हमको बताएंगे कि किस कुंडली में कौन किस भाव के स्वामी, या आप थोड़ी प्रैक्टिस खुद करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज की क्लास थी वो थोड़ी समझ में आई होगी, और अब ऐसी नई चीजें चालू होंगी यहाँ पर, वो सब जो पुराना वाला पार्ट है वो हम लोग अब खत्म करेंगे। मतलब खत्म का मतलब कि हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज कहाँ का फल दे रही है।